नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु, हमारे पूजनीय गुरु जी को सादर प्रणाम। साधु साधु, श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम थोड़ा सा देरी से यह धर्म देशना शुरू किए हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा सूत्र है जो आप लोगों ने बहुत बार सुना हो, आज पुनः उसकी रिवीजन करते हैं। ठीक है, इस सूत्र का नाम है सुमना सूत्र, सुमन सूत्र या सुमना सूत्र। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावध्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान बुद्ध जी श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के विहार में, जेतवन विहार में विराजमान थे। अथ को सुमना राजकुमारी पंच ही रथ सते ही पंच ही राजकुमार सते ही परिवुता येन भगवान तेन उपसंकमी। उस समय सुमना नाम की राजकुमारी जो है 500 रथों में 500 अपने साथियों के साथ, उनकी दासियां या फिर कुमारियों के साथ भगवान के दर्शन के लिए आई। उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निषीदि। इस तरह से आकर भगवान को नमन किया और आकर एक तरफ बैठ गए। एक तरफ बैठी हुई सुमना भगवान से इस तरह से पूछती है, क्या पूछती है? इदस्सु भन्ते भगवतो द्वे सावका। भगवान, यहाँ पर आपके कोई दो श्रावक है, दो भगवान को शरण गए हुए कोई श्रावक है जो दोनों समसद्धा श्रद्धा से समान है, समशीला शील से समान है, समपन्या प्रज्ञा से समान है। जैसे हम अभी देखते हैं कि आप लोग सब इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, है ना? तो इसमें जितने लोग जुड़े हैं सबके शील अलग अलग हैं। अभी तो पंचशील को धारण किया तो सबके शील समान हो गए। इस समय पंचशील को धारण किया है, इनमें से कोई हो सकता है कि वर्षावास के समय में उपोषद के शीलों को धारण किया हो तो वह शील से श्रेष्ठ हो जाए, परंतु बाकी सब लोग शील सरीखे हैं। भगवान बुद्ध जी के प्रति श्रद्धा है तो समान शील और समान श्रद्धा है, समपन्या प्रज्ञा से भी दोनों समान है। प्रज्ञा में क्या बताया भगवान ने कि कुशल क्या है अकुशल क्या है, सही क्या है गलत क्या है, इसे जानना, दुख दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आदि चार आर्य सत्यों को जानना, ये प्रज्ञा का लक्षण है। अवबोध हो जाना, अनुबोध हो जाना, बोध हो जाना, ये भिन्न बात, परंतु प्रज्ञा इस तरह से, तो प्रज्ञा से भी दोनों समान है कि उन्हें कुशल अकुशल समझ में आता है। तो इस तरह के दो भगवान के श्रावक है। वह पूछती है कि ये दोनों में से एको दायको, एक दान देने वाला है, एको अदायको, एक दान नहीं देता। हम लोग देखते हैं ना बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं कि हाँ हम तो भगवान के शरण में गए हैं, शील का पालन भी कर रहे हैं, काहे के लिए दान देना है, दान तो बस रखा ही रहेगा व्यर्थ में जाएगा, इस तरह से चिंतन करने वाले कुछ लोग। नहीं, भगवान ने दान को यज्ञ की तरह बताया है, दान को सत्पुरुष से प्रशंसित है करके बताया है, तो मैंने निरंतर दान देना चाहिए, इस तरह से सोचता है। तो ये दो श्रावक जो है दोनों ही भगवान के श्रावक, दोनों ही भगवान बुद्ध जी की शरण गए हैं, दोनों ही श्रद्धा संपन्न है, दोनों ही समान शीलों से संपन्न है और दोनों की प्रज्ञा भी समान है, परंतु उसमें एक दान दाता है एक दान नहीं देता है। प्रज्ञा का दान देने न देने से भिन्नता है, वो प्रज्ञा में कुशल क्या है अकुशल क्या है ये जान लेता है। तब पूछती है वह कि भगवान ते कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपद्येयम्। ये दोनों मरने के बाद, जब मनुष्य लोक से मर जाए उसके बाद सुगति नामक स्वर्ग लोक में जन्म लेते हैं। ठीक है, किस कारण से जन्म लेते हैं? श्रद्धा के कारण। किस कारण से जन्म लेते हैं? शील के कारण और प्रज्ञा के कारण। ये तीन कारण है जिनके जिनके कारण से
कोई व्यक्ति सुगति जा सकता है। यदि कोई केवल दानी है और वो कहता है कि मैंने तो बहुत दान दिया है, मुझे अभी शील की आवश्यकता नहीं है, तो ये उसकी मूर्खता ही होगी कि दान के बल से मात्र सुगति को चले जाए संभव। शील का बल आवश्यक है सुगति जाने के लिए, श्रद्धा आवश्यक है सुगति जाने के लिए। तो कहती है कि ये दोनों मरने के बाद सुगति लोक में गए। देवभूतानं पननीसं भन्ते सिया विशेषो सिया नाना करनंते। भगवान ये जब दोनों देवलोक में गए तो इन दोनों देवताओं के बीच कोई भिन्नता है क्या, कोई विशेषता है क्या करके वह पूछती है। आपको क्या लगता है भिन्नता होगी? दोनों ही दिव्य लोक में है, दोनों ही समान सुख समान लोक में जन्म लिए हैं, एक ही लोक में दोनों हैं, तो क्या कोई भिन्नता होगी? भगवान बुद्ध जी जानते हैं, देखते हैं, है ना। भगवान कहते हैं सिया सुमनी, भगवान कहते हैं कि सुमना हाँ इन दोनों में भिन्नता होगी, इन दोनों में विशेषता होगी। क्या? भगवान कहते हैं कि योसो सुमने दायको सो अमुम अदायकं देवभूतो समानो पंच ही ठाने ही अधिगणन्ति। क्या कहते हैं भगवान कि दायक सुमना जो दान देने वाला था, जो दायक था, उन दो श्रावकों में से एक दान देता है एक नहीं देता, तो इनमें से जो दान देता है वह श्रावक न देने वाले से पांच जगह से पांच कारणों से भी अलग अलग कहा जाएगा, पांच चीजें उसमें भिन्न होगी, पांच चीजों से उसमें बदलाव देखने को मिलता है। क्या बदलाव होगा? वह पांच जगह को अधिकता से पाएगा करके अधिगणनाति, पांच चीजें पाएगा कैसे? दिव्येन आयुना। तो हम देखते हैं कि दिव्य लोक में सब देवताओं की भिन्न भिन्न आयु होती है, जैसा जिसका कर्म हो उस कर्म के अनुसार उस जीवन को उस सुख को भोगने के लिए उतनी आयु की प्रमाण होता है, तो वहां आयु का प्रमाण भी उनके पुण्य के विपाक स्वरूप में होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो दान देता है उस व्यक्ति का न देने वाले से ज्यादा आयु अधिक होगी। कौन सी आयु? तो दिव्य लोक में जो आयु है वह दिव्येन वर्णेन, वर्ण जो है सुंदरता जो है रूप है देखने दिखने का भाव है, यह अधिक होगा दान देने वाले का। दिव्येन सुखेन, दिव्य लोक में जो सुख संपत्ति है, जैसे विमानवत्व में विस्तार आता है कि मुगलान बनते जी समय समय पर दिव्य लोक में गए, एक ही देवलोक में जाने के बाद वहां देखते हैं कि भिन्न भिन्न देवताओं के विमान हैं, अलग अलग जगह जन्म लिए हैं, अलग अलग तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, तो इनमें भी भिन्नता है, तो दिव्य सुख जो है यह दान देने वाले को अधिक प्राप्त होगा। दिव्येन यशेन, यश जो है, यश यानी उस देवता का संपूर्ण बल जो है उस समय का वह अधिक है, उसका विमान जो है ज्यादा चमकने वाला होगा, उस तरह से दिव्येन अधिपत्येन, आधिपत्य उसके नीचे काम करने वाले लोग, उसके यहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे लोग, जिनके ऊपर यह अपना काम करा सकता है उसकी सेवा में लगे लोग अधिक है दान न देने वाले से, दान न देने वाले से ये पांच चीजें से अधिक मिले। भगवान कहते हैं कि सुमना ये पांच भिन्नताएं होगी दान देने वाले व्यक्ति। ये समझ में आ गया क्या? कि दान देने के कारण व्यक्ति में चाहे देवलोक में जन्म ले वहां भिन्नता आती है। फिर कहती है वह सुमना पूछती है पुनः भगवान को, सचेपनते भन्ते ततोचुता इच्छत्तं इत्थत्तं आगच्छति। भगवान वहां से मृत्यु के पश्चात वे यहाँ आ जाते हैं, यहाँ यानी मनुष्य लोक में आ जाते हैं, देवलोक से मरने के बाद मनुष्य लोक में आ जाते हैं। ये ध्यान में रखो, बुद्ध शासन में बताए हुए देवताओं का जिस तरह से जन्म होता है, आयु होती है, उस तरह से मरण भी होता है। ये तो मिथ्या दृष्टि के लोग ही है जो कहते हैं कि देवताओं में जन्म लिया व्यक्ति सदाकालिक है, अमर है। नहीं, भगवान की वाणी है जो जन्म लेगा वो मरे। तो देवलोक में भी सुख की प्रबलता अधिक है
वहां दुख नहीं भोगने को मिलता, इसीलिए पुण्य के विपाक स्वरूप में वहां जन्म लेता है। मनुष्य लोक में पुण्य के विपाक स्वरूप में जन्म लेता है, यहाँ सुख के साथ साथ दुख भी भोगने को मिलता है। फिर ऐसा भी कुछ कर्म करते हैं ना हम लोग कि जो केवल और केवल दुख के लिए ही है, तो वो दुख का कर्म भोगने के लिए फिर चार अपाय बनता है। वहां पे भी कर्म का विपाक समाप्त होते क्या होगा, वहां से समाप्त होकर पुनः जन्म लेगा दूसरी जगह। तो वो कहती है कि भगवान वहां की आयु समाप्त हो जाने के बाद, वहां से मृत्यु के बाद जब मनुष्य लोक में आते हैं, तो क्या मनुष्य लोक में कोई भिन्नता होगी? तो कहती भगवान कहते हैं कि हाँ सुमना, इनमें भिन्नता होगी। क्या भिन्नता होगी? तो कहते हैं कि मनुष्य लोक में हम देखते हैं ना, मनुष्य लोक में क्या सबकी आयु समान है क्या? नहीं, कोई 80 वर्ष जी रहा है तो कोई 40 वर्ष में मर रहा है ना, आयु में भिन्नता है कि नहीं? कोई गर्भ में भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कोई 80, 90, 100, 110 वर्षों तक आज भी जीवित रहने वाले लोग हैं इस लोक में हैं, तो ऐसा दीर्घ आयुष्य भी जीने वाले लोग। तो ये जो है कि मनुष्य लोक में ये भिन्नताएं, ये भिन्नता 5 चीजें दान देने वाले को अधिक तौर पर मिलेगी। कौन सी? मानुष के न आयुना, मनुष्य लोक की जो आयु है वो अधिक मिलेगी। मानुष के न वर्णे न, मनुष्य लोक में जो वर्ण है, सुंदरता है, दिखने में जो सुंदरता जो है, हम सबको लगता है कि हमें सुंदर दिखना चाहिए, परंतु क्या हमारे चाहने मात्र से सुंदरता मिलती है क्या? नहीं। तो मनुष्य वर्ण जो है, सुंदरता जो है, वो भी पुण्य का विपाक है, पुण्य के कारण मिला हुआ है। मानुष के न सुखी न, मनुष्य लोक में जो सुख भोगते हैं, मनुष्य लोक में हम जो सुख भोगते हैं वो सुख अधिक मिलेगा दान देने वाले। मानुष के न यशे न, यश जो है उसका नाम जो फैलना है चारों तरफ, वह बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारी सुख संपत्ति जो है, वह यश से भी वह श्रेष्ठ है, कहता है। मानुष के न आधिपत्य है, हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के शब्द पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। बाबा साहब का आधिपत्य, बाबा साहब ने कहा था ये जो हिंदुओं के देवी देवता हैं इनको फेंक दो, तब कहा था बहुत पहले। तो क्या किया था लोगों ने, कोई प्रश्न पूछने नहीं गया, बाबा साहब आप क्यों कर रहे हैं? क्या किए कि उस समय जितने भी थे सब जाकर नदी में डाल दिए, कहीं फेंक दिए। ये आधिपत्य है कि कहे हुए वाणी का लोग पालन करें। हमारे गुरु जी, लगभग 1,000 भिक्षुओं का संग्रह है हमारे पास, गुरु जी के एक शब्द पर सबके सब भिक्षु सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। क्या है ये? आधिपत्य है। हम लोग मनुष्य लोक में देखते हैं ना, दसियों बार बोल रहे बोल रहे बोल रहे, कोई सुनने के लिए राजी नहीं, कोई नहीं सुनता। क्या है? उसका आधिपत्य कम है, उसका लोगों पर राज करना कम है ना? तो ये जो आधिपत्य है कि दूसरों पर अपनी इच्छा जताना, बताना, लोगों को अपने किए हुए अनुसार कार्य करवाना, यह दान देने वाले में अधिकता से मिलेगा न देने वाले से। ये विशेषता होगी, कहते हैं भगवान, जब मनुष्य लोक में वह दानी जन्म लेगा। ध्यान रखें कि सुगति में जाने के लिए क्या काम में आया है, तो श्रद्धा, सील और प्रज्ञा। वहां अंतर किस कारण से आया है, तो दान के कारण, परंतु जन्म लेने के लिए श्रद्धा, सील और प्रज्ञा काम में आएगी। मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए भी क्या चाहिए? श्रद्धा, सील और प्रज्ञा चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य लोक भी क्या है, सुगति है, तो यहां आया है। फिर वह पूछते कि भगवान अब ये मनुष्य लोक में है, सचेप नते भन्ते उभो अगार अस्मा अनगारियं पब्बजन्ति। भगवान ये दोनों व्यक्ति बड़े होने के बाद जो जैसा भी जीवन है उसके बाद भिक्षु बन जाते हैं, घर छोड़कर प्रव्रजित हो जाते हैं। पब्बजितानं पनन्ते संग भन्ते सिया विशेषो सिया नाना करनन्ति। भगवान प्रव्रजित हो जाने के बाद क्या इनमें अंतर होगा? आपको क्या लगता है अंतर होगा? हाँ, भगवान कहते सिया सुमना, हाँ सुमना,
इनमें अंतर होगा, क्या अंतर होगा? तो कहते हैं कि सुमना, ये जो दायक है, दान देने वाला जो है, ये जो दान देने वाला है, यह न देने वाले से प्रवज्जित में, प्रवज्जितों में पांच चीजों से अग्र होगा, पांच चीजों को अधिकता से प्राप्त करेगा। कौन से आज पांच चीज? तो कहते हैं भिक्षुओं के लिए क्या आवश्यक है? चीवर आवश्यक है। भिक्षुओं के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है। भिक्षुओं के लिए क्या आवश्यक है? सेनासन, रहने की व्यवस्था। भिक्षुओं के लिए क्या आवश्यक है? तो पिंड औषध, कोई बीमार भिक्षु है तो औषधि। ये चार चीजें परिष्कार स्वरूप में आवश्यक है। उसके बाद जब चार भिक्षु इकट्ठा रहे तो उनमें समग्रता होनी चाहिए, आपसी में मेल मिला, प्रेम होना चाहिए, है ना? तो ये कैसे आएगा? उस भिक्षु के प्रति गौरव से, रिस्पेक्ट से। तो भगवान कहते हैं कि ये जो चार चीजें हैं, कि चीवर जो है, बहुलंग चीवरंग परिपूंजयन्ति अप्पयाचितो, यानी बगैर मांगे ही, याचना किए ही, बगैर मांगे ही उसे बहुत से चीवर मिलते हैं। याचितो बहुलं, याचना करने पर बहुलता से मिलते हैं, न याचना करने पर कम मिलते हैं। उसके बाद में याचितो बहुलं पिंड पातं परिभुञ्जति, जब मांगे तो बहुत सा भिक्षा भोजन आदि मिलता है, न मांगे तो कम। याचितो बहुलं सेनासनं परिभुञ्जति अप्पं अयाचितो, यह न मांगे तो सेनासन में कम मिलता है। तो दूसरे दान देने वाला व्यक्ति, यदि मांगे न देने वाला व्यक्ति, जो उसमें दो प्रकार के बताए, तो उसमें से एक है जो नहीं मांग, नहीं दान देता, वो मांगने पर भी उसे नहीं मिलता। कई बार होता है ना, अनेक भिक्षु लोग हम देखते हैं, चार प्रत्ययों से, गिलान आदि से भी भिक्षुओं में भिन्नता नजर आती है। कुछ भिक्षु है जिनको बगैर मांगे ही बहुत कुछ मिल जाता है, कहने के बाद इतना मिलता है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं। ऐसा है ना कि भोजन मिलता है हमें, निमंत्रण के लिए पुनः पुनः लोग याचना करते हैं, चीवर के लिए, भंते जी हम चीवर देंगे, हम चीवर देंगे, हम चीवर देंगे, हमको बताओ। और ये भी नहीं देखते कि कितनी कीमत होगी उसकी, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करने की कोशिश करते हैं। कई भिक्षु ऐसे हैं कि जिनको भिक्षा मांगने के जाने के बाद भी कई बार होता है कि भूखे लौट कर आना पड़ता है। कई बार होता है कि याचक दान के लिए याचना तो करता है परंतु भूल जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत ही अल्प सा भोजन बनाकर खिलाता है ना? ये किसका विपाक है? दान नहीं दिया है पूर्व में। तो भिक्षु को भी पुण्य के फल स्वरूप में सारी चीजें पा, भिक्षु को भी दिए हुए दान के कारण, यदि अतीत में दान नहीं दिया है तो भिक्षु को ये चार चीजें आसानी से प्राप्त नहीं होगी। तो जिस तरह किया हुआ पुण्य भिक्षु के काम में आता है, वैसे ही यदि कोई भिक्षु पाप करे तो उसका फल भी उन्हें मिलता है। भिक्षु पाप से विरत नहीं है, भिक्षु भी पाप कर सकता है। ये पाप से पाप न करे, इसीलिए क्या है, शील बनाए हैं भगवान ने, भिक्षु के हाथों कोई पाप कर्म ना हो, इसीलिए भगवान ने सीलों का उपदेश दिया। समझ रहे? तो वो फिर कहते हैं कि ये ही ओपन सहब्रह्मचारी सद्धि विहरति तस्य मनापेनेव बहुलंकायकम्मेन समुदाचरन्ति। बहुत से भिक्षु जब उनके साथ रहते हैं तो उनकी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो काय कर्म हैं, वो बहुत ही प्रिय और मनाप है, उनको अच्छा लगने वाला है। भिक्षुओं के लिए वाणी से बहुत मधुरता से बात करने वाले हैं, मन से भी उसके बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। दान देने के कारण आपस में जो लोग हैं, इन लोगों में वो प्रभाव देखा जाता है। दान कब दिया है? कई समय पहले, परंतु फल कब कब मिल रहा है? देवलोक में फल मिला है, मनुष्य लोक में फल मिला है, अभी प्रव्रजित हो गए तब भी फल मिला है। वो क्या है? फिर पूछती है कि भगवान सचेपनते भन्ते उभो अर्हतं पापुनंति, भगवान
जब ये दोनों अर्हत्व को प्राप्त हो जाएंगे, अर्हत पत्तानं पननी संबंधे सिया विशेषो सिया नाना करनंति। भगवान, ये अर्हत बनने के बाद क्या इनमें कोई भेद होगा, क्या इनमें कोई अंतर होगा? तो भगवान कहते कि अर्हत्व में, जैसे देवलोक में जन्म लिए तो दिव्य आयु वर्ण सुख और बल अधिपति भाव है ना, मनुष्य लोक में जन्म लिए तो मनुष्य लोक में दिव्य आयु मनुष्य आयु मनुष्य वर्ण सुख बल अधिपति भाव आदि, प्रवजित में तो प्रवजित के लिए चार चीजें जो आवश्यक है, पांच चीजें आवश्यक है भिक्षु के साथ में, ये काम में आना। अर्हत्व में क्या है? अर्हत्व में मुक्ति सुख है। तो भगवान कहते हैं एत्थकोपने साहं सुमने न किंची नाना करणं वदामि यदिदं विमुक्तिया विमुक्तं। भगवान कहते हैं कि यहां सुमना मैं इसमें भेद नहीं बता सकता, कोई भेद नहीं, विमुक्ति तो विमुक्ति ही है। तो इस लोक में पहले विमुक्त तो कौन थे? तथागत अर्हत सम्यक संमुक्त। उसके बाद जो भिक्षु बने पंचवर्गीय भिक्षु, वे अर्हंत बने, तो क्या उनके सुख भोगने को और भगवान के सुख भोगने में अंतर है? हाँ, भोजन पिंडपात आदि इनमें भिन्नता हो सकती है, परंतु मुक्ति का जो सुख है वो दोनों में सरीखा है। क्यों? क्योंकि विमुक्ति में कोई भेद नहीं है, विमुक्त होने तक विमुक्ति के सुख में किसी में कोई भेद नहीं नजर आता। इस बात को हमने अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। तब ये जो बात सुनती है कि भगवान ने जो बताया है कि देवताओं में अंतर देखा जा सकता है, मनुष्य लोक में अंतर देखा जा सकता है, प्रव्रजित में अंतर देखा जा सकता है, परंतु विमुक्ति में अंतर नहीं, वो बड़ी आनंदित होती है, बहुत आनंदित होती है। वो क्या कहती है? अच्चरियं भन्ते अभूतं भन्ते यावचिदं भन्ते अलमेव दानानि दातुम अलं पुण्यानि कातुम करके। कहती है कि भगवान आश्चर्य, भगवान अद्भुत है, भगवान यह जो दान है यह हमने निश्चित तौर पर करना ही चाहिए, पुण्य करने के लिए हमने जल्द से जल्द पुण्य करना चाहिए। क्यों ये पुण्य करना चाहिए करके कहती है? कहती है यत्र ही नाम देवभूतस्सपि उपकारानि पुण्यानि। ये जो पुण्य है ये देवताओं के लिए उपकारी है, मनुष्य भूतस्सापि उपकारानि पुण्यानि, मनुष्य लोक में जो जो मनुष्य सत्व है इनके लिए भी ये दान या पुण्य जो है उपकारी है। प्रवजित सापि उपकारानि पुण्यानि, प्रवजित के लिए भी ये जो पुण्य है उपकारी है। समझ रहे? तो जो दान का पुण्य है वो साधारण चीज नहीं है, दान का पुण्य निश्चित तौर पर फल देता ही है, दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बात को देने से कोई दुख कभी नहीं भोग सकता, देने से केवल सुख की ही प्राप्ति होती है, इस बात को भी आपने ध्यान में रखना चाहिए। आपके मन में शायद ये बात आए कि इस तरह से प्रश्न पूछने के पीछे कारण क्या हो, तो उसका भी अट्ठकथा में बहुत सुंदर विस्तार आता है। कहते हैं कि पूर्व बुद्ध के समय यानी काश्यप बुद्ध के समय में दो भिक्षु थे, प्रव्रजित भिक्षु थे। वे दोनों भिक्षु, उनकी प्रतिपत्ति जो थी, उनका जीवन जीना था दो भिन्न तरह से था। अब भिक्षु है बुद्ध के शासन में प्रव्रजित हुए, प्रव्रजा है तो भगवान के शासन में प्रव्रजित हुए तो समान श्रद्धा है, भिक्षुओं की शील है तो समान शील है, धर्म को देखने की दृष्टि समान तौर से है, प्रज्ञा समान है, परंतु दोनों में एक भिन्नता है। कौन सी? दान देने की। तो ये दान देना है किसके बारे में कहा है? भिक्षुओं ने जो कहा है उस किया है उसके अनुसार क्या कहते हैं कि यहाँ जो दो भिक्षु थे उनमें से तेसु एको सारणीय धम्मं कुरेति एको भत्तग्गवत्तं। सारणीय धर्म यानी जो व्यक्ति भिक्षाटन मांग कर लेकर आता है और अपने साथ साथ दूसरे भिक्षुओं में हो या दूसरों को भी वो भोजन परोसता है। आज भी आश्रमों में देखा जाता है, आप थाईलैंड में चले जाओ या फिर श्रीलंका में भी चले जाओ, जहाँ भिक्षाटन होता है वहां पर यदि 8 या 10 भिक्षु लोग रह रहे हैं, उनमें से 5 या 6 भिक्षु लोग भिक्षाटन के लिए चले जाते हैं, 4 जाएंगे। थाईलैंड में तो अधिकांश समय बहुत से जाते हैं, कुछ जो नहीं खाना चाहते वो नहीं। तो इनमें से जो भिक्षा पात्र में मिलता है वो अधिकता से आता है, तो उसको लाकर फिर सामा आम भाजन बर्तन में निकाल कर बाकी भिक्षुओं को भी परोसा जाता है।
बाकी भिक्षु को दिया जाता है। देकर फिर बाकी सब भिक्षु मिलकर खाते हैं। इस धर्म को कहते हैं सारणीय धर्म। और दूसरा है भत्तक वत्तंग करके, यानी जो केवल भिक्षाटन के लिए जाता है और अपने लिए जितना आवश्यक, मुझे 2 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, थोड़ा सा चावल चाहिए, इतनी सब्जी चाहिए, वो देखता है कि मेरे भिक्षा पात्र में इतना मुझे मिल गया है, इतना मेरे लिए काफी। वो वहीं से लौट कर आ जाता है और अपना भोजन अकेले से करता है। ये 2 तरह से, एक है दान देकर, तो पुण्य केवल गृहस्थ दान देकर नहीं करते, धम्म का दान तो भिक्षु लोग देते ही है, परंतु इस तरह से भोजन दान से, वस्त्र दान से आदि से सब दान दे सकते हैं भिक्षु लोग। तो भगवान ने इसीलिए कहा है कि माँ भिक्खवे पुण्यानं भाई, तो भिक्षुओं पुण्य करने के लिए घबराओ मत। सुखं सेतं अधिवचनं यदिदं इट्टं कांतं मनापं पियरूपं यदिदं पुण्यं। भिक्षुओं, यह जो इष्ट है, कांत है, मनाप है, जो अच्छा लगता है, चाहिए चाहिए ऐसा लगता है, प्रिय है, ये प्रिय लगने वाला जो सुख है, इस सुख का दूसरा नाम क्या है? पुण्य है करके। हम मनुष्यों को, आप लोगों को नहीं लगता क्या कि मुझे सुख मिलना चाहिए? सबको लगता है सुख मिलना चाहिए, दुख की कोई इच्छा नहीं करता, सब लोग सुख कामी हैं, दुख पटिकूल, दुख को प्रतिकूल करते हैं, नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं, सुख की इच्छा करते हैं। तो सुख पाने के लिए क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। तो कहते हैं ये 2 भिक्षु जो थे, इन्होंने क्या किया, इस तरह से धर्म का जीवन जिया। उस समय में अर्हंत नहीं बन पाए, तो हुआ यह कि श्रद्धा, सील और प्रज्ञा के कारण, धर्म की साधना करने के कारण, यहां से मरकर द्वे पिया तनो पटिपत्तिं पुरे, तो प्रतिपत्ति को पूर्ण करते हुए ततोच्युता कामावचर देवलोके निबद्ध। ये दोनों लोग जाकर कामावचर यानी ब्रह्मलोक से नीचे नीचे जितने जहां जो सुख भोगा जा सकता है, ऐसे देवलोक में जन्म लिए। वहां पर वे लोग जिसने दान दिया था, उस भिक्षु ने ये 5 चीजों को उस तरह से प्राप्त, दिव्यायु, दिव्य वर्ण, सुख, अधिपति भाव और यश से उसको अधिकता से मिली उसे। फिर एक बुद्धांतर खत्म हो गया, यानी काश्यप बुद्ध के समय से गौतम बुद्ध का समय, इतने इस समय को क्या कहते हैं? बुद्धांतर कहते हैं। या विपस्सी भगवान बुद्ध जी के समय से सिखी सिखी बुद्ध तक हो जाए, या कोणागमन बुद्ध तक हो जाए, ककुसंध बुद्ध तक हो जाते, इस एक ही भद्र कल्प में, या फिर एक कल्प में जो भिक्षु आते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, उसे बुद्धांतर कहते हैं, बुद्धांतर कल्प कहते हैं। तो वो बुद्धांतर, एक पूर्ण बुद्धांतर निकल गया और फिर यहां पर जन्म लिए मनुष्य लोग। कैसे जन्म लिए? तो सुमना राजकुमारी, सुमना के यहाँ उसके उनके पिता को पुनः एक पुत्र की जन्म हुआ, राजकुल में राजकुमार जन्म लिया। तो जो सारणीय धर्म, जो दान देने वाला भिक्षु था, वो कहाँ जन्म लिया? यहाँ जन्म लिया, राजा के घर में। और उसी दिन उसी समय उनके यहाँ काम करने वाली दासी को भी पुत्र जन्म, वो कौन है? तो वो भिक्षु दूसरा जो दान दान नहीं देता था। दोनों का नामकरण होता ऐसा है ना कि राजकुल में कोई पहले के समय में राजाओं, अधिक तौर पर जैसे हम हमारे बच्चे सब एक आपस में घुल मिल जाते हैं, राजाओं के बच्चे घुल मिलना कम रहता था। तो जिस दिन, जिस समय राजकुल में कोई जन्म ले और उसी दिन में कोई घर उस पर वहां जन्म ले, तो उस बच्चे को भी राजा राजकुल में ही पाला जाता था, वहीं पर अंदर ही उसका पालन पोषण होता था, जिस कारण से उसको मित्र जन्म से ही मिले और उसकी सेवा में भी वो लगा रहे करके पहले से ही। तो जैसे छन्न छन्न है भगवान के साथ, उसी तरह से है ना। तो ये भी जन्म लिया। तो नामकरण के दिन दोनों को एक ही कमरे में रखा गया। तो राजकुमार कैसे सोएगा? तो राजकुमार जो है सोने के छत्र का पालना है, उसमें सोने की, सोने से लिपा हुआ, अगर लकड़ी का देखते हैं ना, लकड़ी का हो तो उसपे सोने का आलेप या सोने से बना हुआ पूर्णता झूला था, बहुत मखमली सॉफ्ट, क्योंकि राजकुमार है तो उसके लिए वो कपड़ा था, और दासी का पुत्र है तो
उसके लिए तो सोने का नहीं आ सकता, तो उसके लिए जमीन पर एक तरफ से साधारण सी चटाई या साधारण सा कपड़ा वगैरह रखकर रखा गया था। दोनों का ही नामकरण उत्सव था। जब ये दोनों शांत एकांत में बैठे हैं, दोनों बच्चों को रख दिया है और दासी भी किसी काम से चली गई और महारानी वैसे भी काम में, तो ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं? जो सारणीय धर्म, जो दान देने वाले भिक्षु थे, वो जो राज, तो वहां पर बैठे बैठे उस सोने के पलंग से वहां से बोलते हैं, देखो मैं तुमको कह रहा था ना कि दान दो, दान देने का फल देखो, दिव्य लोक में मुझे उसका सुख मिला है, मैं जब प्रव्रजी था तब भी मुझे उसका सुख मिला है, अब मैं यहाँ जन्म लिया हूँ यहाँ पे भी मुझे सुख मिला है। दूसरा जो है वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पर है तो दोनों ही पृथ्वी धातु, तो ये प्रज्ञा की बात हो गई। तो उस समय वो भिक्षु जीवन से आ गए थे इसीलिए ऐसा कहते, हम लोगों के लिए, हम लोग नहीं कह सकते ना कि पृथ्वी धातु करके, हम लोगों के लिए बड़ी गाड़ी सुख की होगी, साइकिल छोटी सी होगी, हम उसमें कंपैरिजन देखते ना देखते, इसीलिए ईर्ष्या जाती है उन भिक्षुओं का। तो ये जो बात है कि पृथ्वी धातु वाली जो बात कर रहे हैं, सुमना दरवाजे के बाहर से सुनती है और देखती है अंदर आकर कि कौन बात कर रहा है। दिखता है कि अंदर कमरे में कोई नहीं, केवल दो बालक है, तो पता चलता है कि ये दोनों ही हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो सोचती है कि यदि मैं सबको बता दूं तो लोग क्या कहेंगे, यक्ष है करके, अरे अमनुष्य है करके, बचपन से बचपन के बाल्यावस्था में बातचीत कर रहे हैं, लोगों को पुण्य विपाक नहीं समझ में आता ना, इसीलिए तो इस तरह से बातचीत कर रहे करके इनका 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 निग्रह किया जाएगा, इनको छोड़ने की बात की जाएगी। परंतु फिर उसके मन में आता है कि ये मैंने प्रश्न किसे पूछना चाहिए, तो कहती है कि भगवान बुद्ध जी से अधिक श्रेष्ठ कौन हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर देने में। तो वो उसी तरह से सोचकर भगवान, वो देखती है कि बिंबिसार राजा जो है वे भगवान की शरण में है, चुंदी राजकुमारी जो वो भगवान की है, सभी के सभी जो है उनका जो धनंजय सेठी का जो बड़ा लड़का है विशाख वो भी, या फिर विशाखा जो है उनकी जो पुत्री है वो भी भगवान की शरण में है, तो ये सब लोग भगवान की शरण, तो भगवान तो सब जानते हैं, मैंने भी भगवान के पास जाना चाहिए। तब वो गंधमाला लेकर कपड़ा लेकर भगवान के पास 500 रथों में 500 दासियों के साथ 500 राजकुमारियों के साथ भगवान के दर्शन के लिए आते। प्रश्न कैसे पूछती वो नहीं बताती कि भगवान मैंने ऐसा ऐसा सुना, तो भगवान तो जानते हैं, इसीलिए भगवान बुद्ध जी उसी तरह से उपदेश करते हैं कि हाँ दान का इस तरह से विपाक मिलता है। तो देखो धर्म का कितना पालन करने के बाद भी हम जो कुशल कर्म करें, कोई यदि कहे कि मैं तो दान दे रहा, मैं तो सील का पालन कर रहा हूं, मैं बाकी सब ठीक है, मेरी श्रद्धा भी है भगवान पर, परंतु मुझे दान देने की इच्छा नहीं है, तो उसे उसका फल मिलेगा। यदि ऐसा ही यदि कोई सोचे कि मुझे धर्म श्रवण में कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है, मैं भगवान की शरण में गया हूँ, अपना काम करता हूँ, इतना भर पर्याप्त है मेरे लिए, कैसे प्रज्ञा बढ़ेगी। इसीलिए धर्म के सभी लाभ, सभी कार्य जो है हमें अपने जीवन में करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो सुमना सूत्र है इसको ध्यान में रखो, ठीक है? इसमें गाथाओं में भी फिर भगवान ने कहा है कि एक एक तरह से जैसे चांद जो है वह प्रकाशित हो जाता है बाहर निकलने के बाद आकाश में, जब बादल न हो उस समय तारांगण में सभी लोग चमक चमकीले हो जाते हैं, उसी तरह से सील संपन्न श्रद्धा संपन्न व्यक्ति जो है सभी लोभ को छोड़कर दान देते हुए वह और चमकने को प्राप्त होता है। कहते हैं जिस तरह से मेघ जो है बादल जो है बिजलियों को लाते हैं, बारिश को बिछाते हैं और पूरी पृथ्वी को समान रूप से भिगोते हैं, उसी तरह से ये जो सम्मा संबुद्ध का शावक है ये सब छोड़कर दान, यानी मत्सर को छोड़कर लोभ को छोड़कर दान देने वाला यह जो श्रावक है वह इन पांच चीजों को प्राप्त करता है, पांच चीजों को प्राप्त कर पंडित ही कहलाता है, करता है। आयु आयुना यशसा चैव वर्णेन च सुखेन च सवे भोग परिव्युलो
सगे प्रमोदते, आयु वर्ण यश और सुख को पाता है, भोग संपत्ति को पाता है और पश्चात में सुगति लोक में जन्म लेता है करके भगवान गाथाओं में भी उसे यही बताते हैं। तो हमने इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। किस बारे में ये सूत्र? दान देने के बारे। यदि आप में दान की भावना कम है तो क्या करना चाहिए? देखना चाहिए कि क्या मैं धनवान हूँ, क्या मैं वर्णवान हूँ, क्या मुझ में यश यश है, अधिपति भाव है, ये सारी ये पांच चीजें मुझ में है या नहीं। तो यदि देखोगे कि दूसरों से कम है तो क्या चिंतन करना चाहिए? अरे जब मेरे पास मनुष्य लोक में समय था तब मैंने दान का धर्म नहीं किया। यदि शीलवान नहीं है, श्रद्धा संपन्न नहीं, प्रज्ञावान नहीं है तो फिर तो कोई अलग ही बात है वह तो। परंतु यदि शील संपन्न है, बाकी सारी चीजें हैं तो क्या होगा? तो होगा एकांत कहाँ, सुगति को जाने को होगा। यदि शीलवान नहीं है और बहुत दानी है तो उसका फल कैसे मिलेगा? दान का फल क्या मिलता है? सुख शांति मिलती है। शील के फल से क्या मिलता है? मनुष्य लोक आदि में सुगति में जन्म मिलता है। शील नहीं है तो कहाँ जन्म होगा? दुर्गति में जन्म होगा। तो आप आसपास में, आपके घर में कोई पालतू कुत्ते बिल्ली होंगे, इन पालतू कुत्ते कुत्तों का बिल्लियों का जन जीवन जो है रास्ते पर भटकने वाले कुत्तों से ज्यादा श्रेष्ठ है कि नहीं है? उनको खाने के लिए दौड़ना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ के टॉमी को मेरा लाओ लाओ मेरा सोनू करके खिलाते हैं कि नहीं? उसको मेरा बच्चा कहते हैं, ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं? सब कुछ उसकी सेवा करने में, उसकी टट्टी, उसकी पेशाब सारी साफ करने में लगे रहते हैं। विदेश में देखो, वहां तो अपने हाथों से उठाकर डस्टबिन में, वहां तो है कि तुम कुत्ते की टट्टी को बाहर नहीं फेंक सकते, छोड़ नहीं सकते, गार्डन में चलने के लिए ले जाओ। क्या करना पड़ता है? पॉलिथीन ले जानी पड़ती है, और जब भी टॉयलेट करे तो उसको उठाकर उसको डस्टबिन में डालना पड़ता है। यानी कुत्तों की कितनी सेवा हो रही है, क्या फल है? कभी सोचा है कि ये किस कारण से भोग रहे हैं ये सुख? ये सुख भोग रहे हैं दान देने की तरफ। नहीं तो हमारे बस्ती में घूमने वाले भी तो हैं, वो देखो जंगल में शेर हिरन आदि रहते हैं, पर कई बार अच्छी जगह पर राजाओं के महलों में रहने वाले भी शेर हैं, तो उस जन्म में भी उस तरह का सुख भोगने का भाग कैसे मिला इनको ये पुण्य? यही है, दान दिया है पर सील नहीं। तो यदि मनुष्य लोक में या दिव्य लोक में सुख समृद्धि को पाना चाहते हो तो श्रद्धा सील प्रज्ञा के साथ साथ दान देना चाहिए, ये होना चाहिए। हमारे भारत में गाय पूजी जाती है, माता है ना, ऐसा कहा जाता है ना। ये सुख कैसे मिला है सोच लो। खाना खिलाए बहुत, तो रोटी मिलती है रोज, आप में से रोज खाना खिलाने वाले लोग होंगे ना, गाय आए तो मैं खाना खिला दो, कोई आए तो खाना खिला दो, इस तरह से। तो सोच लो यदि सील नहीं रहेंगे तो उसी तरह से दरवाजे दरवाजे आकर ही हमको पुनः मांगना पड़ेगा और मिलेगा। तो ये ध्यान में रखो कि श्रद्धा सील प्रज्ञा और दान ये सारे आवश्यक धर्म हैं। तो सुमना को समझ में आ गया, आपको भी ये बात जाननी में आनी चाहिए। यदि आप ये सब कर रहे हैं तो संतुष्ट होइए, अपने बारे में सुरक्षित होइए, सब कुछ जान लीजिए कि अरे हाँ मैंने मेरी सारी तैयारी कर ली है, अब मुझे डरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो सुमना सूत्र है, ये सारा सूत्र आप सभी को भगवान के प्रति श्रद्धा को मजबूत करने के लिए, आपको सील संपन्नता को सहायता के लिए, प्रज्ञा के संवर्धन के लिए, साथ साथ में दान का चित्त उत्पन्न होने के लिए, चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साथ साथ